हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जहीर है और मैं टेक मजा यूट्यूब चैनल की तरफ से एक बार हर बार की तरह हाजिर हूँ। इस बार भी एक नए वीडियो के साथ में, तो हर बार की तरह मैं इस बार भी एक नई प्रॉब्लम का आंसर लेकर के आया हूँ, जो जनरली डेली यूजेस में और डेली रूटीन में कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ सॉर्ट आउट कर पाता हूँ, तो वो अपनी नॉलेज के जरिए जरिए मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। तो एक प्रॉब्लम जो लोगों को आती है और जो लोगों ने ये हमसे कुछ कमेंट्स में पूछा कि तत्काल टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है उसका, या मतलब उसको कैसे जल्दी से जल्दी फिल किया जाए ताकि वो कंफर्मेशन के चांसेस थोड़ा बढ़ जाए, तो उसके लिए कुछ थोड़े से उपाय बताइए, कुछ लॉजिक या कोई टिप्स बताइए। तो आज मैं उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक्स और टिप्स बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तो मैं, अगर आप लोगों ने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जा करके, क्योंकि इसमें डेली टेक रिलेटेड और टेक रिलेटेड आंसर्स आपको मैं पहुंचाता रहता हूँ, उनकी जानकारी पहुंचाता रहता हूँ। तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब से जरूर कर लीजिए। उसके लिए करना क्या होगा, अब वीडियो पे आते हैं। तो आपको गूगल क्रोम खोलना होगा। गूगल क्रोम में जाइए। गूगल क्रोम में आप यहाँ पे टाइप करिए क्रोम वेब स्टोर। क्रोम वेब स्टोर में जाके आप यहाँ पे जो है एक्सटेंशन टाइप करिए तत्काल टिकट नाउ। एंटर करिए, तो इस पे एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। तो ये देखिए जो पहला है तत्काल टिकट नाउ, ये आप इसको क्लिक कर दीजिए, ये सबसे अच्छा है। और ये अब ये बोल रहा है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है बड़ा सा, और जिसमें फॉर्म भी है और डेमो भी है, वो आप चला के देख लीजिएगा कि कैसे फिल करना है। और इसको आप कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए इसमें, और इसको ऐड टू क्रोम कर देते हैं। तो और ये थोड़ा चेक होने के बाद ये देखिए ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि ऐड कर लिया जाए और नॉट, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद ये जो है चेक करेगा, चेक कर रहा है अभी ये। तो चेक करने के बाद ये जो है ये देखिए मैसेज आ जाता है कि तत्काल टिकट नाउ हैज बीन एडेड, और ये अपनी वेबसाइट खोलेगा। और इस वेबसाइट में ये देखिए वेबसाइट आ गया। अब इस वेबसाइट में थोड़ा सा आप इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और डेमो भी देख सकते हैं कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, कैसा प्रोसेस है। तो यहाँ पे जाके देखिए एक एक्सटेंशन अपने आप बन गया। तो अब इस एक्सटेंशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे अब ये दिखा रहा है कि टिकट बुकिंग पीएनआर स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं और पेमेंट प्रोसेस भी चेक कर सकते हैं। और तो अभी मैं टिकट बुकिंग के बारे में बताता हूँ। तो टिकट कैसे बुक होता है इसमें फास्ट, तो इसमें ऐड टिकट के बारे में बोल रहा है, ऐड टिकट का यहाँ पे बटन है, तो हम ऐड टिकट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप इसकी आईडी बना लीजिएगा बाद में, यूजर नेम एंड पासवर्ड वो मैं बाद में बना लेता हूँ। और मुझे स्टेशन पूछ रहा है, सपोज मुझे न्यू दिल्ली भर देता हूँ मैं, न्यू दिल्ली टू कानपुर भर देता हूँ। और ट्रैवल डेट सपोज मैं कुछ भी भर दीजिए आप, मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ आपको। ट्रेन नंबर 456 कुछ याद नहीं है मुझे, रनडब्ल्यू में ऐसे ही भर रहा हूँ आपको कंफर्म केवल वीडियो बनाने के लिए। और स्लीपर है, पैसेंजर नेम सपोज सोनू मेल 25, और ये बर्थ और जो है अभी आपको नहीं मिलेगा, मतलब अलॉट नहीं हुआ कि जब तक टिकट कंफर्म नहीं होता है, इसका IRCTC का रूल है। अभी हम इसको सेव बुक नाउ कर देते हैं। तो सेव बुक नाउ पे अभी ये होगा नहीं, क्योंकि ये जब वेबसाइट खुलेगी तभी ये होगा। और सेव बुक लेटर करते हैं इसको, तत्काल टिकट नाउ मेक ICT ओके, ये ओके बता रहा है, टिकट नंबर 1 स्टोर सक्सेसफुली, अब ये ओके हो गया है। अभी क्या करना है, हम IRCTC की वेबसाइट पे जाता हूँ मैं। आप IRCTC की वेबसाइट पे आप जाइए। IRCTC की वेबसाइट खोलिए और ये विंडो अपने आप ओपन रहेगी वहां पे, उसको बंद मत करिएगा। अब क्या करना होगा, अब इसको सिर्फ आपको कैप्चा टाइप कर लीजिए यहाँ पे। ओके, इनवैलिड कैप्चा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लॉगिन करते हैं। जी देखिए लॉगिन हो गया। अब करना क्या होगा दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइम तो दिखा रहा है अभी, मैं वीडियो इसको शाम को वक्त बना रहा हूँ, बट ये आपको ये वीडियो सिर्फ दिखाने के लिए बना रहा हूँ डेमो के लिए। लेकिन अभी आपको करना क्या होगा, आपको ये सिर्फ 9:58 पे ये साइट खोलनी होगी, 9:58। अगर आप 4-5 मिनट और पहले खोलते हैं तो आपका ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो सेशन एक्सपायर होने पे क्या होगा कि आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा और आपके कंफर्मेशन टिकट जो है बुक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 9:58 पे ये टिकट ये लॉगिन करना होगा। तो उससे क्या होगा, ये जो ये आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी है वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, ये यहाँ से लिंक कर लेगा अपने आप। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो आप, ये मैं दिखा देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे भरनी नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट यह है पेमेंट प्रोसेस पे चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। सो दोस्तों है ना छोटा सा और काफी उपयोगी टिप्स और काफी हेल्पफुल टिप्स। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे अच्छी जानकारी और इससे बेटर जानकारी मिल सकती है। सो उसको मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और कमेंट जरूर दीजिएगा कि हाँ आपको ये क्या क्या प्रॉब्लम आई और आपने कैसे इसको सॉल्व किया और ये कैसा लगा आपका वीडियो और इस वीडियो के हेल्प से आपने कुछ अचीव किया नहीं किया। सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।